एवरीवेंट वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो आज के वीडियो का टॉपिक है साइकोलॉजी बिहाइंड कलर्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट डेट बेल डेट मैं जब भी वीडियोज अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट अडियो कलर हमारे मूड और बिहेवियर दोनों को अफेक्ट करता है कलर ह्यूम में सर्टन इमोशन अराइज करते हैं कलर साइकोलॉजी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में भी यूज करते हैं बिकॉज कलर कस्टमर का इमोशन और अटेंशन दोनों को ग्रैप करने में हेल्प करता है इनफैक्ट हमारी जो प्रोडक्टिविटी रहती है उसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं एटी परसेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे आईज के थ्रू आती है सो लेट्स सी हाउ कलर्स एसोसिएट विथ मूड एंड बिहेवियर सो लेट्स स्टार्ट विथ अ ब्लू कलर ब्लू कलर मेनली स्काई एंड ओशन को रिप्रेजेंट करता है ब्लू इज अ कामिंग कलर ट्रस्ट लॉयल्टी कॉन्फिडेंस विजडम को सिम्बलाइज करता है ब्लू कलर से काफी पॉजिटिव वाइब्स भी मिलती है फॉर एग्जाम्पल ब्लू स्काई का मतलब है कि स्काई बहुत क्लियर है कोई तूफान नहीं आने वाला है इट इज सेफ टू गो आउटसाइड सो लाइक दिस इट गिव पॉजिटिव वाइब्स ब्लू कलर मेनली मेल फिगर के लिए एसोसिएट किया जाता है अगर आपका कल इंटरव्यू है या कोई बिजनेस डील है या कोई भी इम्पोर्टेंट काम है तो अगर आप ब्लू कलर पहनते हो तो अच्छी पर्सनालिटी दिखती है बिकॉज ये कलर ट्रस्ट लॉयल्टी और स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है द सेकेंड इज ब्लैक कलर ब्लैक कलर को एसोसिएट करते हैं पावर फियर मिस्ट्री स्ट्रेंथ फॉर्मेलिटी अग्रेशन एंड कॉन्फिडेंस के साथ ब्लैक कलर इज द एबसेंस ऑफ कलर ब्लैक एक मिस्टीरियस कलर भी है बिकॉज एक साइड ब्लैक कलर स्ट्रेंथ सीरियसनेस पावर ऑथोरिटी एलिगेंस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरी साइड ब्लैक कलर को ग्रीफ का सिंबल भी माना जाता है जस्ट बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज में डेथ होने पर ब्लैक कलर पहनते हैं स्टील इन इंडिया ऑल्सो कहीं लोग मानते हैं कि ब्लैक नहीं पहनना चाहिए ब्लैक कलर अच्छा नहीं है ग्रे कलर ग्रे कलर बहुत ही न्यूट्रल और पैसिव कलर माना जाता है ग्रे कलर को डल मूड या फिर लैक ऑफ इमोशंस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है वन स्टडी फाउंड डेट जिन लोगों को एनजाइटी होता है वो लोग अपना मूड ग्रे कलर से एसोसिएट करते हैं बट अगर हम ग्रे कलर को ब्लू या वाइट से पैर करते हैं तो बहुत ही रिलैक्सिंग एटमोस्फियर क्रिएट होता है सो so, अगर आपको पेंट करवाना है आपके रूम में तो डोंट जस्ट यूज ग्रे कलर ग्रे को व्हाइट या फिर ब्लू जैसे कलर के साथ पैर करना चाहिए सिर्फ ग्रे कलर को यूज करने से डिप्रेसिंग जैसी फीलिंग्स आती है येलो कलर येलो रिप्रेजेंट होप ऑप्टिमिज्म, एनर्जी एंड हैप्पीनेस टू कहीं सारी ब्रांड्स अपने लोगों में येलो कलर यूज करती है येलो ज्यादा फ्लैशी कलर है जस्ट लाइक रेड बट अगर हम येलो कलर को ज्यादा देखते हैं तो आइज में स्ट्रेन होना स्टार्ट हो जाता है सो so, येलो को इरिटेटिंग कलर भी माना जाता है ग्रीन कलर ग्रीन इज कूल कलर ये नेचर को सिंबलाइज़ करता है एक ह्यूमन आई के लिए बहुत ही रिलैक्सिंग कलर है ग्रीन कलर हमें फिजिकली एंड मेंटली अफेक्ट भी करता है ग्रीन कलर हेल्प टू रिड्यूस नर्वसनेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन टू वाइट कलर व्हाइट कलर रिप्रेजेंट कंप्लीट एंड प्योर इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्योरिटी इनोसेंस क्लैंडलीनेस एंड पीस जब कोई न्यू बिगिनिंग्स करता है लाइफ में या फिर कोई रिफ्रेशिंग आइडियाज चाहिए सो लोग व्हाइट कलर यूज करते हैं बट हर एक कल्चर में व्हाइट कलर का इम्पोर्टेंस अलग है फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न कंट्रीज में मैरिजेस में व्हाइट कलर पहनते हैं सो इट इज अ कलर फॉर हैप्पीनेस एंड गुड लक इन ईस्टर्न कंट्रीज वाइट कलर मॉर्निंग का सिंबल है जब किसी की डेथ होती है तब लोग वाइट कलर पहनते हैं ज्यादा वाइट कलर यूज करने से या फिर ज्यादा व्हाइट कलर पहनने से उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाता है एंड लास्ट इज रेड कलर रेड इज अ कलर ऑफ फायर एंड ब्लड अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो रेड कलर डेंजर सेक्रीफाइस करेज को एसोसिएट करता है बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सर्विस रेड कलर को हीट एंगर सेक्सुअलिटी, लव और जॉय के साथ भी एसोसिएट किया जाता है रेड कलर की वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा है एस कंपेयर टू अदर कलर्स, सो रेड कलर डिस्टेंस से भी जल्दी विजिबल होता है इसी रीजन की वजह से वार्निंग साइंस में भी रेड कलर यूज करते हैं काफी सारी ब्रांड्स और फूड चेन्स भी अपने लोगों के लिए रेड कलर को यूज करती है जस्ट टू ग्रेप कस्टमर्स अटेंशन सो लाइक दिस कलर साइकोलॉजी हेल्प इन मेनी वेज और काफी सारी ब्रांड्स भी कलर साइकोलॉजी का यूज करती है सो so हमें कब कौन सा कलर सिलेक्ट करना है उसके लिए भी केयरफुल रहना चाहिए जस्ट बिकॉज कलर अफेक्ट ऑफ अड एंड बिहेवियर अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर दिस वीडियो साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ई मेल कर सकते हो ई मेल आई डी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है And you can also comment me in my comment box.